नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय शर्मा है, मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, गाज़ियाबाद में हूँ। पिछले 5 साल से आईबीएस का पेशेंट हूँ। हर तरह की दवा आजमा के देख चुका हूँ, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर तरह की दवा देख चुका हूँ। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स की अगर बात करें ना तो कहाँ से स्टार्ट करें समझ में। दिन में कई बार फ्रेश होने की इच्छा होना, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, म्यूकस, पेट में हमेशा एक वजन सा होता है ना, जो हमेशा एक वजन सा बना रहता है पेट में, लग रहा कुछ चल रहा है पेट में, भारीपन, किसी भी चीज़ें मन नहीं लगता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना, छोटे छोटे डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, हमेशा मन किस चीज़ में लगता ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं, कोई ख़ास बातें भी नहीं है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ बातें दिमाग में चलती रहती हैं, चिड़चिड़ापन, हमेशा गुस्सा बहुत आता है। समझ लो कि अगर नरक कहीं है ना जीते जी, तो आईबीएस में हुआ। और कोई भी बीमारी दे दे भगवान, इंसान फिर भी थोड़ा सा जिंदगी जी लेता है, आईबीएस वाला तो पल पल मरता, पल पल, और अपनी फीलिंग्स कभी किसी को समझा नहीं पाता कि उसे हुआ क्या, सब समझते कि ये ठीक है, पर वो ये जानता उसके अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं लगता कि चल क्या रहा है हमारे अंदर, कुछ डिसाइड नहीं कर पाते अपने फ्यूचर के लिए, आगे क्या करना है, अच्छा कुछ कर ही नहीं पाते, कोई काम हो नहीं पाता सही से, सोचने की वजह से इतना दिमाग का है ढकलने की आदत हो गई है। कोई दवाई असर, हर दवाई भी असर है आईबीएस के लिए, कोई सी भी दवाई ले लो, रामदेव की, बिलवादी चूर्ण, कुब्जारिष्ट, मेधावटी, बेलवटी, हिमवाष्टक चूर्ण, सब नाकाम है अगर आपका आईबीएस है तो। मैंने होम्योपैथिक में ट्राई किया, बहुत अच्छी डॉक्टर है होम्योपैथिक की, शायद बेंगलोर की है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, उस पर ट्राई किया, 5-6 महीने दवाई खाई, कोई असर नहीं, उससे एक ही 10% थोड़ा पेट ठीक रहता है, दिमाग फिर वही सोचने वाले में भूख इतनी कम हो गई, भूख बिल्कुल नहीं लगती, भूख खत्म हो जाती है, इसमें देखने में लगता है कि आदमी हेल्दी है, अब मैं हेल्दी लग रहा हूँ, लेकिन अंदर से एक मेंटल वीकनेस इतनी है ना, तो पहले इससे भी ज़्यादा हेल्दी था, काफ़ी हेल्दी था, मैं जिम वगैरह खूब करता था, मैं शुरू से ही काफी हंसमुख, खुश मिजाज किस्म का इंसान है, फिर ये जो सोचने की हेडेक जो पड़ी है ना, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इस पेट की भी, पेट की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, जो पेट है या माइंड से रिलेटेड है, क्या है ये, मैं तो अभी विकास भाई की वीडियो देख के मानता हूँ कि ये टोटली माइंड से रिलेटेड है, 10-20% पेट से होगी, माइंड से ही हमारा पेट खराब होता है, जो भी अभी इसके पेशेंट है। अब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ विकास भाई का, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है विकास भाई मुझे ठीक कर देंगे, उनकी वीडियो देख के मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, उससे थोड़ा अच्छा फील होता है, थोड़ा माइंड लाइट फील होता है, अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपका आईबीएस से बाहर निकलना है तो। और इतना है कि उम्मीद मुझे पूरी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, माइंड को इतनी आदत पड़ गई है सोचने की, छोटी छोटी चीजों पर घबराने की, ये वो 5-6 साल हो गए हैं, कोई काम ठीक से नहीं हो पाता, पढ़ाई नहीं हो पाती सही से, किसी काम में मन नहीं लगता,
किससे बात करने में हिचकिचाहट, कुछ कहने में हिचकिचाहट, अपनी बात समझाने में हिचकिचाहट, अगर कोई हमारी बात ना समझे तो एकदम गुस्सा आना कि हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा, एकदम अंदर से तड़पते रहना, किसी को बता नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कोई हमसे बोले कि ये काम कर दो, उसमें सोचना। कोई हमसे कहते भाई यार यहाँ चल रहे हैं, उसमें सोचना। छोटी छोटी चीजों में सोचना इतना इम्पैक्ट कर देता है ना लाइफ पर कि बंदा मर ही जाता है, ये हो जाता है। मैं किससे बात कर रहा था कुछ दिन पहले की बात है, तो उसने मुझे बोल दिया, बातों बातों कुछ बात हो गई, उसने बोल दिया गो टू हेल। अब उससे क्या पता कि मुझे IBS में पहले से ही नरक भुगत रहा हूँ, इतना वो जाता है, मतलब इतनी नरक लगती है ना जिंदगी, बहुत ज्यादा से नरक लगती है एकदम। अब मेडिटेशन स्टार्ट किया विकास भाई की दवाई लूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि यार उनकी एक एक बात से मेरी बात मैच होती है, एक एक दर्द जो उन्होंने सहा है ना, बिल्कुल 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 मैं वैसा ही फील करता हूँ जैसा उन्होंने सहा होगा उस टाइम। मैं बहुत हिम्मत करके वो ठीक हुआ है, और मुझे भी पूरी उम्मीद, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और ठीक होने के बाद भी वीडियो जरूर अपलोड करूँगा विकास भाई के चैनल पर। यह है कि दोस्तों मैं वीडियो अपनी ख़त्म कर रहा हूँ, कल से विकास भाई की दवाई स्टार्ट कर रहा हूँ, उम्मीद पूरी है ठीक हो जाऊँगा। अभी थोड़ा ठीक फील होना स्टार्ट हो गया, वैसे मुझे उनसे बात करके अच्छा लगा है। बाकी 3-4 महीने में इस बीमारी को निकल जाऊंगा और अपना जीवन खुशहाली से जीऊंगा। ओके गाइज, बाय।